14 तारीख को एक मुकद्दर बालिका की हत्या की गई थी, जिसमें उसमें उसको ज्वलनशील पदार्थों से उसको जलाया गया था। जलाने के कुछ दिनों के बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोग जो है इसके अंदर पूरी तरीके से चुप होके बैठे हुए थे। जांच में जहाँ से गुमराह किया जा रहा था, और अब आज 30-35 दिनों के बाद में एक नया मोड़ ले लिया जाता है कि उस बच्ची की हत्या जो है वो जहर देने से की गई थी। उस बच्ची के जो परिवार जो थे, उनके माता पिता, उसके मामा, उनको जो है इस हत्या के इसमें लिप्त होना पाया गया है। इस तरीके जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, पूरा समाज इन सब बातों से बहुत ज़्यादा आहत है और नाराज भी है। जब ये घटना हुई थी, घटना के तुरंत बाद में पुलिस का ही एक बयान हमें मिला था एक अखबार के माध्यम से, जिसमें पुलिस ये बताती है कि वो बच्ची जो है वो करंट से झुलसी थी। फिर उसके बाद में पता पड़ता है कि वो बच्ची जो है वो पेट्रोल से झुलसी थी। अब जो तथ्य बताए जा रहे हैं SIT के माध्यम से, वो ये कहते हैं कि बच्ची ने खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जो है आग लगाई। आप ये बताइए कि भाई 11 साल की, 10 साल की एक बच्ची जो कि ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, ऐसी बच्ची के मन में आत्महत्या का प्रयास करने का विचार आएगा भी कैसे? अगर एक आम सी बात है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति ने अगर आत्महत्या करने का प्रयास किया है, तो वो पेट्रोल या डीजल जो है अपने पूरे सर पे डालते हैं, और जो घटना होती है जब वो कुछ जलता है तो व्यक्ति पूरा ऊपर से नीचे तक जलता है। लेकिन सर, पर आप ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर ये जो बालिका का जो जला है, ये इसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जली है। अब 10 साल की बालिका, 10 साल की बच्ची ना जो बोलना जानती ना सुनती है, वैसी एक बच्ची को क्या पता कि भाई कैसे क्या होने वाला है। हम ये मान के चलते हैं कि इस जांच को इतने दिनों से किसी एक व्यक्ति विशेष को, जो बाहुबली है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रशासन जो इनका साथ दे रहा है, और इस बातों से लेकर इस जांच से, जो SIT की जांच जो हुई है, इससे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा समाज बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आज इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भाई इसकी जाँच जो है और बड़ी संस्था से, CBI की संस्था के माध्यम से की जाए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।